चलो भेजते हैं पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह, वो भी टेलीफोन लाइन से। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फैक्स मशीन ऐसे ही तो काम करती है। चलो सबसे पहले समझते हैं स्कैनिंग के प्रोसेस को। सबसे पहले लाइट सोर्स से लाइट गिरती है लेंस पर, जहां पर होकर वो फोकस गिरती है पिक्चर पर। उसके बाद हुई वो पिक्चर से रिफ्लेक्ट और गई एक ट्यूब पर, और उसके बाद जा गिरी वो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाता है करंट, तो जब लाइट सोर्स से लाइट फोटो के डार्क हिस्से पर गिरेगी तो लाइट हो जाएगी एब्जॉर्ब और बहुत कम रेडिएशन निकलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाएगा बहुत कम करंट। लेकिन ब्राइट हिस्से पर जब गिरेगी लाइट तो बनेगा करंट ज्यादा। अब ये करंट जाएगा टेलीफोन रिसीवर में, जहां से टेलीफोन लाइन लेकर जाएगी इसे इसकी मंजिल पर। अब रिसीविंग एंड पर लगी होगी एक नियॉन ट्यूब, जो ज्यादा करंट पर तेज और कम करंट पर डिम रोशनी छोड़ेगी, और यही रोशनी बनाएगी सेम पिक्चर को एक नए कागज पर। ये रहा इसका वर्किंग मॉडल। इस जबरदस्त मशीन का आविष्कार किसने किया था?